हम लोग अभी फिर से निकल गए हॉस्टल गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हम लोग निकल गए अपना होटल से। अभी हम लोग जाके सर्व द्वार से हम लोग स्कूटी भाड़े पे लेंगे, फिर स्कूटी से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट कोणार्क टेम्पल। अभी हम लोगों को हो भाई, मारो मुझे। ये देखने को मिला है, देखिए आप लोग। देखो फ्रेंड्स, हम लोग वही स्कूटी आप लिया है। अभी हम लोग कोणार्क टेम्पल जाएंगे। इस स्कूटी का रेंट रेट लिया है 500 फॉर होल डे। हम लोग जा रहे थे कोणार्क टेम्पल के लिए। अभी देखिए गाइस सीनरी, वाव, हमें पता नहीं कौन सा ये नदी है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रामचंद्री में। देख सकते हैं व्यू पूरा एक आइलैंड का तरह। इधर से बोटिंग भी होता है। हाँ, शॉर्ट राइड 300 पड़ता है, लॉन्ग राइड 600। तो आप देख सकते हैं पूरा रामचंद्री एरिया का पूरा। फिर हम लोग जाएंगे कोणार्क। तो हेलो गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल। देख लो आप सब लोग, कोणार्क टेम्पल बिल्कुल मेरे पीछे है। इधर से हम लोग पूरा कोणार्क टेम्पल घूम के फिर लंच करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए अभी अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ गए थे, अभी पता चला कि इधर में टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर में टिकट काट करके फिर हम लोग को अंदर जाना पड़ेगा। इधर से हम लोग आए थे, टिकट इधर से टिकट देना पड़ता है रास्ते से। इधर से हम लोग आए हैं, ये देखिए पीछे ही हम लोग का टेंपल। इधर में पूरा मैपिंग किया हुआ है सान टेंपल का। इधर पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है कोणार्क टेंपल का। इधर में शो भी होता है, रात को नाच गाना सब होता है इधर। पूरा व्यू देखिए मंदिर सान टेंपल, आप देख सकते हैं नजारा पूरा। कोणार्क चक्र है, रथ चक्र जो बोलते हैं लोग। अलग अलग मूर्ति का डिजाइन किया हुआ है, पुराने जमाने का, अलग अलग हिस्ट्री है इन लोगों का। इधर गाइड मिल जाएगा आपको, समझा देगा क्या है क्या नहीं है। हम लोगों ने गाइड लिया नहीं, पैसा देना पड़ेगा। क्या कारीगरी है भाई, क्या पुराना जमाने का क्रिएट किया हुआ है। इधर अलग अलग साइड में गेट है, अलग अलग साइड का गेट का अलग सा नाम भी है।
अब अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, इधर से बाहर जाना पड़ता है, पूरा ऊपर से देख सकते हैं व्यू। आज संडे है इसलिए बहुत सारा भीड़ है इधर। इधर टेम्पल के ऑपोजिट साइड में लंच करने के लिए बहुत सारा होटल है, हम लोग इस होटल में खाना खाए टेम्पल के जस्ट ऑपोजिट में। आप लोग भी आए तो इधर में ही खाना खा सकते हैं। तो गाइस हम लोगों का कोणार्क टेम्पल घूमना हो गया, उधर लंच भी कर लिया है, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं पूरी। इधर में लोग पिकनिक करने के लिए आते हैं। इधर में गाइस कोणार्क का इको रिट्रीट बोल के एक है, जो यहाँ पर आप आके पिकनिक कर सकते हैं। इधर का बीच का नज़ारा देखिए। ये आप देख सकते हैं कोणार्क का इको रिट्रीट का जो रिसोर्ट वाला है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, रहने के लिए भी जगह है बीच के पूरा सामने। सो गाइस इधर पे मिल गया था हम लोगों का फ्रेंड्स बच्चे पार्टी, जो हम लोग का चैनल का नाम पूछ रहे थे फॉर सब्सक्राइब। यहाँ पर बोटिंग भी होता है 500 और 1000 का। देखिएगा इस रात का नजारा बहुत ही डरावना, बाप रे वाह। Few inches later, বন্ধুরা এখন আমি এসেছি আমাদের পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গ আশ্রমে। ওখানে আমি দর্শন করব এবং আপনাদেরও দর্শন করাবো, চলুন ভেতরে দেখে আসি ঘুরে। यहाँ पर उड़िया फिल्म अवार्ड चल रहा है, फिल्म एंड टीवी अवार्ड का शो चल रहा है इधर बीच के पास ही। गुड बाय पुरी, अभी हम जाएंगे स्टेशन के अंदर, 10:40 का ट्रेन है। बहुत ही अच्छा लगा पुरी आकर।